वीर पुरुष जिस मार्ग पर एक बार आगे पग बढ़ा देते हैं फिर उसे पीछे हटाने की बात भी नहीं सोचते, चाहे सामने मृत्यु ही क्यों ना खड़ी हो। वीर उसी को कहते हैं जो मृत्यु से भी नहीं डरे। यदि तुम्हें हमारे यश और कीर्ति की सचमुच चिंता है तो हमें ऐसा कार्य करने को न कहो जिसका फल केवल अपकीर्ति और निंदा ही है। रावण की पत्नी और परमवीर मेघनाथ की माता को ऐसी भीरुता शोभा नहीं देती। तुम जैसा पापी व दुराचारी जब निरुत्तर हो जाता है तो केवल शस्त्र का ही सहारा लेता है। तुम जैसे लोगों के लिए हमें भी शस्त्र उठाना पड़ता है क्योंकि तुम विवेक धर्म और नीति की भाषा नहीं समझ सकते। ये पांडित्य की बातें किसी ऋषि मुनि को जाकर सुनाओ। रणभूमि में आए हो तो बातें करो शस्त्रों की झंकार से। शस्त्र ही प्रश्न पूछे, शस्त्र ही उसका उत्तर दे, यही नियम है यहाँ का। असंभव असंभव, मेघनाथ की बलि दे सके ऐसा वीर संसार में जन्मा नहीं है। मातेश्वरी, इस धरती पर, धरती के तले पाताल में अथवा धरती के ऊपर अंबर में स्थापित देवलोक में भी ऐसा बलशाली एक भी नहीं है। माता, हम वही बलवान रावण हैं जिनकी भुजाओं की लीला कैलाश पर्वत जानता है। हमारी शूरवीरता को उमापति महादेव जी ने स्वीकार किया, अपने शीश रूपी पुष्प चढ़ा चढ़ा कर हमने जिसकी पूजा की, हमारी भुजाओं का पराक्रम दिक्पाल जानते हैं। हमारी छाती की कठोरता को दशों दिशाओं के हाथी जानते हैं। उन दिग्गजों के दांत इस छाती से टकरा टकरा कर टूट गए। हम वही जग प्रसिद्ध प्रतापी रावण हैं जिसके चलने से पृथ्वी इस प्रकार डोलती है जैसे नाव में कोई हाथी सवार। भगवान, वेद और श्रुति के अनुसार सबसे बड़ा धर्म क्या है और सबसे बड़ा दुष्कर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म है अहिंसा, अहिंसा परमो धर्मः, और सबसे बड़ा दुष्कर्म है परायी निंदा। अतः विनाश का मार्ग छोड़ के श्री राम की शरण में चले जाओ जिन्होंने एक ही बाण से महाबली बाली को मार डाला और खरदूषण का सेना समेत अंत कर दिया। उन्हें पहचानो, उस सारे जगत के स्वामी हैं। तीनों लोकों में उनसे टक्कर लेने वाला कोई नहीं है। समस्त देवता, ब्रह्मा, स्वयं मैं भी उनके सामने सदा नतमस्तक रहते हैं। सो पुत्र, अब भी समय है जानकी जी को लेकर उन शरणागत वत्सल की शरण में चले जाओ।